नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। पर्यटन पर भी दिख रहा है आपदा का असर, कारोबार प्रभावित। जुलाई माह में धर्मशाला पहुंचे महज इतने पर्यटक। जुलाई माह में पहाड़ पर पर्यटन कारोबार औंधे मुंह गिरा है। आलम यह रहा कि अत्यधिक वर्षा के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त होने और ढांचों के ध्वस्त हो जाने से पर्यटकों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भ्रमण से किनारा कर लिया है। यही वजह रही कि जुलाई माह में महज 39,857 पर्यटन ही पर्यटन नगरी धर्मशाला पहुंचे हैं। इनमें से 38,826 भारतीय जबकि 1,031 विदेशी पर्यटक शामिल है। हिमाचल में ज्यादातर लोग पर्यटन कारोबार पर ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। यही वजह है कि मौजूदा समय में पर्यटन कारोबार के प्रभावित होने से इस उद्योग से जुड़े लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। सितंबर में बनेगा गगल एयरपोर्ट का मॉडल, विस्तारीकरण की तैयारियों में जुटा प्रशासन। गगल हवाई अड्डे का मॉडल और स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका खुलासा सितंबर में होगा। इस स्ट्रक्चर के निर्माण को केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला पुणे की टीम अमलीजामा पहनाने में जुटी है। गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिला प्रशासन हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण करने की औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। अब गगल एयरपोर्ट का मॉडल कैसा होगा, यहाँ पर क्या क्या और कहाँ कहाँ बनेगा, इन सब के स्ट्रक्चर को बनाने में CWPRS पुणे की टीम जुटी है। हिमाचल में अगले दो दिन हो सकती है भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में बारिश अपना कहर बरसा रही है। बीते हफ्ते प्रदेश में बारिश के चलते घटनाओं में मरने वालों की संख्या 78 तक पहुंच गई है। वहीं शिमला के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लोगों की खोज एवं बचाव अभियान अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में अगले दो दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शिमला, सिरमौर और चंबा जिलों में अचानक बाढ़ के से उच्च जोखिम की चेतावनी दी। इस बीच शनिवार को भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश बूंदाबांदी होगी। HRTC ने 2500 रूट पर शुरू की बस सेवा, 1226 रूट अभी भी बंद। हिमाचल में भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में बंद हुए 37 रूटों में से HRTC ने 2500 रूटों पर बस सेवा को बहाल कर दिया है, लेकिन अभी भी 1226 रूट प्रदेश भर में बंद है। इन रूटों के बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूट बंद होने से जहां प्रदेश के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं HRTC को रोजाना लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। एम्स में सितंबर से शुरू होगी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, विभाग में 6 विशेषज्ञ तैनात। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ विभाग में सितंबर से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए एम्स के OBG विभाग में लेप्रोस्कोपिक सेट स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। विभाग में इस समय 6 विशेषज्ञ तैनात है। एम्स में सीनियर और जूनियर रेजिडेंट के 183 पद है। इनमें से 50 सीनियर रेजिडेंट और 50 जूनियर रेजिडेंट के पद स्वीकृत है। जूनियर रेजिडेंट के सभी पद भरे हैं, सीनियर के 21 ही पद भरे गए हैं, बाकी पद खाली है। एम्स में गैस्ट्रोलॉजी को छोड़ सभी विभागों की OPD शुरू कर दी गई है। इस कारण प्रदेश के लोगों को PGI के चक्कर काटने से राहत मिली है।